हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज मैं थोड़ा सा खुश भी हूं क्योंकि जो मैंने आज 3-4 दिन से लगातार मेहनत करके आपको वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया था उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पेपर आया। जो बच्चा साल भर कुछ भी ना पढ़ा होगा लेकिन 4 से 5 दिन हमारे साथ यदि तैयारी कर लिया होगा तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि उसके 70 में से 50-55 आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि सीधे नाम वाले रिएक्शन पूछ दिए गए थे ना। IUPAC पढ़ाया तो वही चीज़ आ गया था। हाँ भाई, थोड़ा बहुत इधर उधर तो आएगा, जरूर नहीं कि 2 कॉपी आ जाए। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आए थे लेकिन थोड़ा सा आप लोग मेहनत किए होंगे तो डेफिनेट रूप से अच्छे नंबर लाए होंगे। कुछ कहते हैं कि सर आपके पास घर नहीं है क्या, मैं थोड़ा सा बैग में दिखाऊँ तो मेरा ही घर है। जो परेशानी में रहते हैं कि मेरा घर नहीं है सर, आप जंगल में बनाते हैं वीडियो, अरे भाई ये थोड़ा सा घर के सामने ना साग सब्जी लगा हुआ है, वहीं पे आकर के छाया में बढ़िया वीडियो बना लेता हूँ। लेकिन बच्चों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। बस आप लोगों से आखिरी उम्मीद यही है कि जो बच्चे वास्तविक रूप से इस साल पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाई किए हैं तो बस अपने जूनियर को जरूर सजेस्ट करना कि इस चैनल पे आप लोग पढ़ाई करो, क्योंकि जो हमारा नया बैच हो जाता है शुरू 1 मई से शुरू हो जाता है। तो आगामी समय में आप इतना ज़रूर मेहरबानी करना कि जो हमारे चैनल से पढ़ाई किए हैं MP बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, अदर स्टेट के बारे में बात अलग है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे CG बोर्ड में अभी है, UP बोर्ड में है, तो हम जैसे जैसे पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग हम फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस या बायोलॉजी का सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे, उसका अलग मैटर है। लेकिन जो MP बोर्ड वाले बच्चे हैं, बस आप लोगों का गुरु दक्षिणा यही होगा कि यदि लगातार हमारे साथ जुड़े थे, आपको कुछ मिला है, तो बस आप अपने छोटे भाई बहनों को जरूर सजेस्ट करना कि पूरा प्रॉपर रूप से पढ़ाई करें, स्टार्टिंग से पढ़ाई करें। जैसे हमारे चैनल में पूरा कोर्स अवेलेबल रहता है। बाकी आप लोगों की तैयारी कैसी थी और कितने नंबर आए जरूर बताना। अब कुछ लोग निगेटिव कमेंट करेंगे कुछ नहीं आया, क्योंकि वो 2-4 वीडियो देख के जाते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं आ रहे, अंतिम दम तक कल तक मैंने समझाया था और परसों IUPAC नामन क्लेचर कराया था, वही क्वेश्चन आ गया। अब डी और एफ ब्लॉक का एक मैराथन क्लास लाया था, रंगीन आयन क्यों बनता है DD संक्रमण के कारण, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। रिमर टीमेन अपक्रिया देखते ही बन जाता भाई साहब कि हमारा रिमर टीमेन अपक्रिया, तो यार बहुत मतलब अंदर से थोड़ा सा अच्छा लगा कि यार वास्तविक रूप से केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। जो बच्चा थोड़ा भी तैयारी किया होगा तो फेल तो नहीं हो सकता, ठीक है। अभी एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, सर आपकी वजह से बहुत अच्छा पेपर गया, उसका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग ये है कि टाइम पास करने के लिए मैसेज ना करें। और हाँ भाई, मैथ की वीडियो आजकल तो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं किसी दम पे। अभी मैं घर में हूँ लेकिन मैं घर से अब बाहर जाने वाला हूँ, घर से बाहर जाने वाला हूँ, 3 दिन के लिए घर से बाहर रहूँगा, मुझे ज़रूरी है, अर्जेंट है, इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। इसी कारण से मैं भाई अभी मुझे 2 दिन पहले ही जाना था लेकिन केमिस्ट्री में रुका था, अभी सल्यूशन कराना था क्योंकि पेपर आएगा सल्यूशन, घर से बाहर जाने के बाद टाइम नहीं मिलता है, कुछ अर्जेंट काम है, कुछ निजी लाइफ में कुछ काम भी होता है, इसलिए मैथ के वीडियो नहीं आएंगे। और यदि मैं मान लीजिए 25 तक मैं वापस आ जाता हूँ तो 25-26 को 2 दिन को मैं वीडियोज़ दे दूँगा आपको, ठीक है। जैसे आज क्या है, आज 21, 22, 23 को भी लौटाऊंगा तो 24, 25, 26 3 दिन दे सकता हूँ। लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जिस तरीके से रहा ना, तो मैं सदा आभारी रहूँगा, क्योंकि जो बच्चे पढ़ के चले जाएंगे यार तो हो सकता है चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई गम नहीं रहेगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ये कभी नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि जो साल भर से मान लीजिए आप तो कुछ लोग बच्चे 1 महीने से जुड़े हैं, कुछ बच्चे 10 दिन से जुड़े हैं, कुछ बच्चे कल ही जुड़े होंगे, तो कई सारे फैक्ट होते हैं। लेकिन जो बच्चा हमारे साथ साल भर से जुड़ा था यार, जो हर बार कमेंट करता था, हम पढ़ते थे, तो ऐसे बहुत सारे ना चैनल के नेम याद हो गए, जो मतलब ID नाम याद हो जाता है हमको कि ये बच्चा बार बार कमेंट करता था और हर वीडियो में वीडियो आने के बाद कमेंट करता सर कि अब ये वीडियो दीजिए, क्यों नहीं आ रहा। तो साल भर का जो लगाव है यार, तो वो अलग ही रहता है। और हम हमेशा अपने एक परिवार के रूप में मानते हैं और अपने छोटे भाई बहन के रूप में मानते हैं, उसी कदर आपको सजेशन भी देते हैं। करियर गाइडेंस पर आपको वीडियोज मिलेगा इस चैनल पे, आप बिल्कुल परेशान ना होना, क्योंकि 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम हमेशा सही सजेशन देते हैं बच्चों, किस तरीके से आपको है ना गलत रास्ते से बचना है और सही रास्ते को अपनाना है, वो सारी चीज़ें हमको आप लोगों के साथ शेयर करना है आगामी समय में, जैसे जैसे समय हमको मिल देगा। लेकिन अभी फिलहाल 2-3 दिन वीडियोज कम ही आएंगे, आ सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी को, दिल से धन्यवाद। और आप लोग ज़रूर सजेस्ट करना अपने छोटे भाई बहनों को, ओके, ठीक है बच्चों। और जो भी अपने दिल की बात है तो आप फ़ोन लगा लेना, पर अभी नहीं, थोड़ा सा 1-2 दिन बाद आप फ़ोन लगा सकते हो, कॉल पर बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे मिलना भी चाहते हैं तो यार रिजल्ट लाओ, अच्छा गुरु दक्षिणा देना होगा तो मिल के दे देना, ओके। जय हिंद, वंदे मातरम। तो खुशी खुशी से आप लोग भाई साहब, क्या पता कि अगले बार आप हमारा वीडियो आप देखो या ना देखो, लेकिन अभी जो देख रहा है उसको जय हिंद, वंदे मातरम।